नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। वैसे चेहरे और मोहरे के इस खेल में कई पेच हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों शूटर्स बार बार बयान बदल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अतीक ब्रदर्स के तीनों कातिलों ने कबूला कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, इस कांड का मास्टर माइंड कौन है, किसने इस खेल की साजिश रची और तीनों किलर्स को किसने हथियार दिए और वो कौन है जो अतीक और अशरफ की मौत के पीछे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि इन माफियाओं को मारने वाला कौन है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हत्याकांड के एक दिन बाद रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर हत्या की प्रूफ जज की निगरानी में जाँच की मांग की गई। वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए सभी 183 इनकाउंटर की जांच कराने की मांग की है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर शनिवार रात को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास से अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। अहमद और अशरफ जब पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही, तभी वहां पत्रकारों के भेष में आए तीनों हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी और सूत्रों के अनुसार तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए और घटना को अंजाम दिया है। रविवार एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों का नाम लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य बताया जा रहा है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।